Satguru Mata Sudiksha Savindar Har Dev Ji Maharaj Ki Jai Andar Tu Mere Bar Vi Tu Mere Andar Tu Mere Bar Vi Tu Ho Chare Khani Tu Chare Khani Tu Chare Khani Tu Kan Kan Vas Jaye Tu Mere Andar Tu Mere Bar Vi Tu Mere Andar Tu Mere Bar Vi Tu कटोना तेरे बिना सालेना चार चपेरे तू दस दिशाए तू चार चपेरे तू दस दिशाए तू चार चपेरे तू दस दिशाए तू मेरे अंदर तू बार भी तू मेरे अंदर तू मेरे बार भी तू सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार से सत्संगत यूं ही जहन में ये ख्याल आ रहा था कि सत्संगत जब जब भी कोई अपनी पहचान को भूलता है तब तब सत्संगत वो कैद होता है गुलाम होता है सत्संगत हमने देखा है आज तक सत्संगत पिंजरे में कभी कौवा सत्संग बंद नहीं हुआ पर तोते ने जैसे ही इंसान की बोली बोलना शुरू कर दी सत्संग वो कैद कर लिया गया आज ये इंसान जो अशरफ उल मखलूक की जूनी है द क्रोन ऑफ द क्रिएशन है जिसे सर्व जूनियों का सरताज कहा गया जब ये खुद की पहचान भूल कर खुद को मी एंड माइंड के कंसेप्ट में फंसा बैठा तब सत्संगत ये नफरतों में पड़ गया तब सत्संगत अंधकार में पड़ गया पर सदगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से आज संत निरंकारी मिशन द्वारा सत्संगत अपने आप की पहचान जिसके लिए कहा गया सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन कि अगर अपने आप की पहचान करना चाहते हो पहले निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर लो और जब सत्संगत इसकी पहचान हो जाती है तब सत्संगत अपने आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना सत्संग स्थापित होती है कोई वैरी नहीं लगता रंग भाषा के तमाम झगड़े सत्संग समाप्त होते हैं ये एक ऐसी ब्रह्म ज्ञान की विचारधारा है जो सत्संगत सदगुरु के आशीर्वाद से आज जन मानव को सत्संग प्राप्त हो रही है सत्संग अक्सर हम सुनते हैं कि सत्संगत लाइफ इज अ जर्नी ये मेटाफोर हम सत्संगत हमेशा जवानी से लेकर बचपन जवानी और बुढ़ापे तक हर इंसान कहता है जिंदगी एक सफ़र है पर सत्संग इस सफ़र का डेस्टिनेशन और डायरेक्शन क्या है ये सत्संग संसार से पता नहीं चलता जब पूर्ण सदगुरु कृपा करते हैं जब सत्संग ये रहमत करते हैं तो पता चलता है ये निराकार परब्रह्म परमात्मा ये शाश्वत सता ही सत्संग हम सबका डेस्टिनेशन है जिसके लिए सत्संग कहा गया इको नूर दी उपज है सारी एकदा सगल पसारा है इको एक है सर्वव्यापी फिर भी सब तो सत्संगत न्यारा आए ये सत्संगत भाव तभी उत्पन्न हुए जब सत्संगत सदगुरु ने ये राज इलाही ब्रह्म ज्ञान की दात सत्संगत बख्शी सत्संग ये शाश्वत सता का जब सदगुरु ने भेद दिया तब सत्संग तमाम झगड़े खत्म हो गए तब सत्संग तमाम बुराइयां खत्म हो गई सत्संगत दास याद करता है कि हम सत्संग फिजिक्स के अंदर एक फार्मूला यूज करते हैं वर्क डन का हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
कि कोई भी कार्य तब तक नहीं होता जब तक कोई फोर्स उसे ड्राइव नहीं करती। ब्रह्मांड को सत्संगत अगर इसी फार्मूले से जोड़कर देखे हैं तो सत्संगत पृथ्वी सत्संगत सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, प्लैनेट सत्संगत सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, हवाएं सत्संगत इस फिजाओं में सत्संगत चलती हैं, नदियां कल कल करके बहती हैं। कौन चला रहा है, ये कौन सी सुप्रीम पावर है? जब इस सुप्रीम पावर का सतगुरु ने सत्संग ज्ञान बख्श दिया तो समझ में आ गई सत्संग यही तो है, इसी की तो पहचान जरूरी है। जानकारी नहीं सत्संगत पहचान। सत्संग जी प्रेम सिखिए धन निरंकार जी। सत्संगत आज जो ज्ञान सत्संग सतगुरु माता जी सत्संगत बांट रही हैं, सत्संग ये कोई आज का नया ज्ञान नहीं है, सत्संगत ये बहुत पुरातन ज्ञान है। और सत्संगत जब भी कोई प्राणी ये सत्संग सुनता है कि भगवान के दर्शन होते हैं और माता जी करवा रही हैं, तो सत्संगत अचंभा सा लग जाता है। दास को भी लगा था जब पहली बार संतों से भेंट हुई सत्संगत, तो कहा संतों ने कि निरंकारी बाबा भगवान के दर्शन कराते हैं, तो सत्संग दास को भी अचंभा लगा कि क्या ऐसा संभव है। इसी प्रकार से सत्संग जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष अर्जुन जी खड़े थे, सत्संग उनको भी जब प्रेरित किया तो अर्जुन को भी सत्संग थोड़ा धक्का लगा कि हे प्रभु क्या ये सत्य है, ऐसा हो सकता है कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं सत्संग? तो सत्संग भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने फरमाया, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में सत्संग फरमाते हैं, इमं विवस्वत्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विश्वान मन में पराहा मन में इक्ष्वा के अब्रवित। तो सत्संग इसका मतलब है, सत्संग फरमाते हैं भगवान श्री कृष्ण के, हे अर्जुन ये जो योग है ये मैंने आज से आदि काल में सत्संग सूर्य ऋषि विवस्वान को दिया था, और सूर्य ऋषि विवस्वान ने ये योग अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया सत्संगत। तो सत्संगत ये योग एक ऐसा योग है सत्संगत जिससे सत्संगत आत्मा और परमात्मा का सत्संगत मिलन होता है। तो सत्संगत दूसरे श्लोक में इसी प्रकार से सत्संगत भगवान श्री कृष्ण फिर फरमाते हैं, कहते हैं एवं परपरा प्राप्तम राज ऋषिया योगा सत्संगत सा काले नमत्ता योगा नष्टा प्रांतव, कि ये योग जो था ये राज ऋषियों को इस प्रकार से सत्संगत ये प्राप्त हुआ, और आदि काल से ये योग जो है इस धरती पर सत्संग जो है अलोप प्रिय रहा, और आज मैं दोबारा यही योग तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है, तू मेरा भगत है, इसलिए मैं तुझको तारना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये योग तुमसे सत्संगत कह रहा हूँ। तो सत्संगत अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि हे प्रभु यदि आप आदि काल में सत्संगत थे और सूर्य ऋषि तो आदि काल में हुआ, तो फिर आज आप ये योग मुझे कैसे बताएंगे? तो सत्संगत चौथी अध्याय के ही सातवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी सत्संगत फिर फरमाते हैं, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लान अरे भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मा नाम सृजामहिम
प्रियतरणीम साधुना विश्नाश्च दुष्कृतराम धर्म संस्थापना साबर सब भवामी युगे युगे। तो सत्संगत फिर फरमाते हैं, कहते हैं अर्जुन मैं तो सत्संगत हर युग में जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं इस धरती पर इस लोक में सत्संगत सहकार रूप में मानव के समक्ष प्रकट होता हूँ। और सत्संगत कहते हैं कि मैं साधु लोगों की रक्षा भक्तों की रक्षा करने के लिए और सत्संगत दुष्ट भाव को दूर करने के लिए सत्संगत आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। अब सत्संगत किसी धर्म की स्थापना प्रभु करते हैं सत्संगत तो संपूर्ण अवतार वाणी में इसके लिए सच्चे बादशाह ने संकेत किया है कि रब नु हाजिर नाजिर तकना इस तो बड़ा धर्म नहीं साध जना की सेवा बाजू उच्चा कोई कर्म नहीं। सत्संगत ऐसा संकेत किया कि क्या है धर्म कि सत्संगत इस परम पिता परमात्मा को इस सत्संग दिव्य स्वरूप निराकार को अंग संग देखना इसको महसूस करना ही सत्संगत धर्म है। अगर जब प्राणी सत्संगत इससे दूर परे माया को देखकर माया के सत्संग जुड़ा रहता है तो ये अधर्म है सत्संगत। इस धर्म की स्थापना प्रभु करते हैं सत्संगत के दोबारा इस आत्मज्ञान को देकर इस पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार के सत्संग दर्शन करवाकर धर्म की स्थापना करते हैं अर्थात इंसान को धार्मिक बनाते हैं सत्संगत। तो आज समय के सतगुरु माता जी भी सत्संगत इसी ज्ञान को दे रहे हैं, इसी ज्ञान को देकर सत्संगत आत्म और परमात्मा को मिलाकर सत्संगत मानव को सराबोर कर रहे हैं और ये दिव्य दर्शन करके सत्संग आत्मा भी तृप्त होती है, मन भी संतुष्ट होता है, इस जीवन में भी सुख मिलता है और आगे भी सवेला हो जाता है। ए दरी है प्यारा दा किसे नाल भी नहीं किसे नाल भी नहीं सब अपने नजर सब अपने नजर दे दिसदा कोई गैर नहीं दिसदा कोई गैर प्यारा जाए दिल देख दे ए अमृत बंड देने ए अमृत बंड देने बंड दे कद जाए नहीं बंड दे कद जाए जो इस दर ते जो इस दर ते झुक जाते जो इस दर ते झुक जाते गेड़ चुरा सुखिया जावन कर बिच सारे लाल कीमती
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਛਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਛਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਲੀ, ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀ, ਅੰਬਰ ਛੰਮ ਛੰਮ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉੱਡ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਦ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਰਾਣੀ ਕਬਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹਾਕਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਣਾ ਜੱਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ, ਬਗਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਰਨ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਬਖੇੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪਾਈ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ ਬਾਪਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਜੂ ਹੋਰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਰੂਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਸੀ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਵਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਾਗੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਣੀਏ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਜੰਮੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨੋ ਮੈਂ ਕੀ ਟੂ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹੋਰੀਆਂ ਮਹਿਰਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੋਰੀਆਂ ਮਹਿਰਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੋਰੀਆਂ ਮਹਿਰਾ ਹੋ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਰੇ ਦੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਣਜਾਣਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਰੇ ਦੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਨ ਤੋਂ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਨ ਤੋਂ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾ।
सब बंदे कुदरत दे सब बंदे अपने अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे कुदरत दे सब बंदे कुदरत दे सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया कौन भले सोन मंदे एक नूर से सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे सात संगत युगों युगों से पीर पैगंबर औलिया इस धरती पर आए और उन्होंने सारे ही मानव परिवार को यह संदेश दिया, जागृत करने का प्रयास किया कि तुम लोग किन गफलत की नींद में सोए हो, कि जैसे वो कहा भी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस बात की अवेयरनेस उन सब पीर पैगंबरों ने मानव परिवार को दी और इस बात का एहसास दिलवाया कि इतना सुंदर शरीर जिसकी सेवा में सारी प्रकृति लगी है, तुम लेकर इस धरती पर आए हो, कोई लक्ष्य होगा, कोई एम होगा, कोई काम होगा, इस बात की अवेयरनेस करवाई। लेकिन इंसान मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में इतना बिजी हो गया कि वो भूल ही गया, तो इन पीर पैगंबरों ने जगाने का काम किया, हमें बताया कि तुम ये शरीर धारण करके आए हो, तुम्हारा लक्ष्य है और जब तक तुम इसकी प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा पार उतारा होने वाला नहीं और इसलिए तुम इस शरीर को धारण करके यहां आए हो। वैसे तो तुम्हारी आत्मा 84 लाख जूनों को भुगतते हुए ना जाने कितने शरीरों को बदलकर यहां पहुंची, अब इस शरीर को जब तुम्हें मिला तो इतनी चेतनता, इतना विवेक, इतनी शक्ति इस शरीर को दी कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। हजूर बाबा जी अक्सर अपने विचारों में एक बात कहा करते थे कि इंसान को यह शरीर मिला ही इसलिए कि वो जो 84 लाख जूनों से बोझ अपने सर पे लेकर आ रहा है वो इस जून में इंसानी जन्म लेकर वो सारा बोझ इस परमात्मा की प्राप्ति करके उतार के हल्का होकर इस परमात्मा में मिल जाए। लेकिन माया के भीतर मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की होड़ में वो भूल जाता है और बजाय हल्का होने के वह और डबल बोझ अपने सर पे उठा के ले जाता है। तो सात संगत यही काम पीर पैगंबरों ने किया और फिर हमें प्राप्ति करवाई कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग ओनली, मोर ओवर यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ ह्यूमन बॉडी, कि तुम एक आध्यात्मिक जीव हो और इस परमात्मा को जानना, जी हां जानना, इस परमात्मा को देखना जानना ही तुम्हारा लक्ष्य है और जब तुम इसको जान लेते हो फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम भी इसके अंश हो। सत्संगत आज संत निरंकारी मिशन देखने की बात करता है, जिस भगवान की बात, जिस परमात्मा की बात
सभी हमारे परम पूजनीय शास्त्रों में लिखी ऐसे परमात्मा को दिखाने की बात। और यही पीर पैगंबरों ने कहा कि ऐसे परमात्मा को देखना ही हमारा लक्ष्य है, और जब तक हम देख नहीं लेते हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। आओ सात संगत, हम सब मिलजुल कर सद्गुरु माता जी के चरणों में अरदास करें कि आप जी ताकत बख्शो, कि आप जी जो प्रेरणाएं हमें दे रहे हैं हम उन प्रेरणाओं पे चल पाएं। पहला सरबत दा करो मेरे दाता, पहला सरबत दा करो मेरे दाता, विनती ये खास कर चे आओ संतो महापुरुषो, मिलिए अरदास कर चे। अंग संग दिखी दिखी आओ, अंग संग दिखी दिखी आओ, तू ही कर दे जाओ। नाम कमाई करिए सची, नाम कमाई करिए सची, खाली चोलियां पर ले जाओ। सतगुरु पूरा ए ज्ञान भी पूरा, सतगुरु पूरा ए ज्ञान भी पूरा, आओ विश्वास कर चे आओ संतो महापुरुषो, मिलिए जी। एक गीत की पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत कि जोत से जोत जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। सत्संग जी पंक्तियां भी बहुत सुंदर और भाव भी बहुत सुंदर कि जो भी राह में मिलता है हर इंसान से प्यार कर लो, हर का सत्कार कर लो, हर जरूरतमंद की मदद कर लो। परंतु सत्संग जी जब ध्यान जाता है इस तरफ कि क्या इतना आसान है सबसे प्यार करना, क्या इतना आसान है हर एक का सत्कार करना, क्या सबके हेल्प करना इतना आसान कार्य है? नहीं सत्संग जी, बहुत ही मुश्किल कार्य है कि हम हर इंसान से प्यार करें, क्योंकि बहुत सी दीवारें हैं, बहुत से ऐसे सत्संग जी रूल्स हैं जिनके बदौलत हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सत्संग जी बहुत सी दीवारें, चाहे वो मज़ो मिलत की हो, चाहे वो ऊंच नीच की हो, चाहे अमीरी गरीबी की हो, सत्संग जी अगर देखा जाए जो सामने वाला जिसके साथ प्यार करने को बोला जा रहा है क्या वो मेरे स्टैंडर्ड का है? सत्संग जी जब देखती हैं तो समझ आती है ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा ये तो अनपढ़ है, मैं बहुत अमीर और ये तो गरीब घर का है, मैं गाड़ी में चलने वाला ये तो पैदल चलने वाला, मैं आलीशान घर में रहने वाला और ये तो झुग्गी में रहने वाला, फिर कैसे प्यार हो, कैसे सत्कार हो? परंतु सत्संग जी अगर आज हम इस परिवार की तरफ नज़र दौड़ाएं, ये जो निरंकारी परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है सत्संग जी, इस परिवार में आज अमीर भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, पढ़ा लिखा भी बैठा है और अनपढ़ भी बैठा है, हर धर्म के हर जाति के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सत्संग जी क्या करिश्मा है। अगर हम लंगर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सत्संग जी देखेंगे कि जब लंगर खाएंगे तो पहला निवाला साथ वाले के मुंह में डालेंगे, अपने मुंह में नहीं,
सासंग जी पूछेंगे नहीं कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, सासंग जी उसके चरणों में नतमस्तक भी होंगे, ये क्या करिश्मा है सासंग जी, ये करिश्मा इनकी बदौलत है, ये सतगुरु की बदौलत है कि सतगुरु ने हमें इस परम सत्ता के साथ, इस निराकार प्रभु पिता परमात्मा के साथ जोड़कर हमें समझा दिया कि हम सब एक प्रभु पिता परमात्मा की संतान है, कि एक पिता एकस के हम बालक, कि हम सब एक प्रभु पिता परमात्मा की संतान है। इसलिए सासंग जी हर गट राम बोले कि हर के अंदर ये प्रभु पिता परमात्मा बैठा है, शरीरों पे मत जाओ, जो अंदर विराजमान है, जिसके बदौलत ये शरीर चल रहा है, उसको देखो। आओ सासंग जी, इनके कृपा से ये संभव हुआ है कि आज हम इन दीवारों से परे हो गए हैं। सासंग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा था कि जो इंसान इंसान को इंसान समझ के प्यार करेगा वही निरंकारी कहलाएगा। आओ सासंग जी, ये निरंकारियों की एग्जाम्पल है कि वो हर इंसान से प्यार करते हैं, हर इंसान का सत्कार करते हैं। सासंग जी, शुक्राना ही बनता है सतगुरु का कि हे दातार, आपका शुक्र है कि माता जी आपने हमें इस परम सत्ता के साथ तो जोड़ा, साथ ही साथ हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखा दिया कि हमने इस जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से हमने इस जीवन यात्रा को तय करना है। यही अरदास है आप जी के चरणों में कि आप जी हमें आशीर्वाद दें कि जैसा जैसा आप जी कर्म हमसे चाहते हो वैसा कर्म हम कर पाएं, जो सिखलाई आप जी हमें दे रहे हो उस सिखलाई को हम अपने जीवन में डालकर इस मिशन का जो मैसेज है, जो आप जी का संदेश है, वो हर कोने कोने तक पहुंचाने का यत्न करें, प्रयत्न करें। किसी ने सत्संग जी बहुत खूब कहा है कि तुम साकार भी हो, तुम निराकार भी हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम ही जीवन के आधार हो। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। अखियेगी ठंड पे गई, गद गद रूह होई तुसा कोल शरण पाई, गद गद रूह होई तुसा कोल शरण पाई, होया हिरदा ठंडा रब नहीं बंदा हो, दुनिया गीत कीता मुस्लिम सिख ईसाई सबने गीत मिक कीता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने गीत मिक कीता, तुसे आस सहारा हो, तुसे आस सहारा हो, तुसे साढ़े मालिक बिन नहीं गुजारा हो, तुसे साढ़े मालिक हो, तुसे बिन नहीं गुजारा हो। सत्संगत, जुगों जुगों से संत महात्मा बहुत ही परोपकारी रहे हैं इस मानव समाज को, सत्संग ताकि इसका लोक सुखी हो सके, परलोक सुहेला हो सके,
ये दाद देते आए हैं ज्ञान के। प्रातन बीते हुए जुगों पर जब नज़र जाती है तो समय की बात याद आ गई, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सत्संग, जो उनके प्रौढ़ पुत्र थे, जो सत्संगत माता पिता के बड़े ही सेवादार और आज्ञाकार थे, उनको कुछ देना चाहिए। तो एक दिन बुला के सत्संगत उनको पूछने लगे कि बेटा, मैं तेरे स्वभाव से, तेरे सेवा भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप मांगो, मैं जरूर दूंगा। तो पहले तो वो सत्संग कहते रहे, नहीं, बहुत ही पिताजी, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कोई आवश्यकता नहीं। कहते नहीं, फिर भी आप कुछ मांग के लोगे तो मुझे भी बहुत खुशी हासिल होगी, मांगो। तो वो सत्संगत उस वक्त मांग रखते हैं पिताजी के चरणों में कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो मुझे शय प्रदान करें जो मेरे लिए हमेशा हितकारी हो। सत्संगत बहुत बड़ी बात है। आज कौन मानव है जो अपना हित नहीं चाहता? हर कोई चाहता है मेरा इस जीवन में हित ही हित हो, कभी अहित ना हो। तो सत्संगत उस वक़्त भगवान ब्रह्मा जी, वो सत्संगत उन्होंने कोई निराशा नहीं प्रकट की, बल्कि प्रसन्न हुए और उनको अपने आगे सत्संग इशारा दिया बैठने का। वो आगे सत्संग बैठ जाते हैं और बैठ के सत्संगत ये जो ज्ञान दीक्षा है ये प्रदान कर दी और कह दिया कि बेटा, हर सुख तुम्हारा इसमें छिपा हुआ है, हर दुख को काटने की जो क्षमता है इस परम पिता परमेश्वर में है, जो सारे जगत का रचनहार है। तुमने करना क्या है, इसको याद रखना है। याद रखोगे तुम्हारा इस जीवन में हित ही हित जो होता चला जाएगा। और इतना ही नहीं कि इसके बाद का जो जीवन है, जो परलोक की अवस्था है, उसका भी सुधार हो जाएगा। और सत्संगत, आज वक्त में सत्संगत हमें पवित्र अवतार वाणी भी यही संदेशा दे रही है, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह साहिब जी महाराज के मुखारविंद वचन आए, जग दा मालक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालक याद होवे ता रहिंदी कोई भुख नहीं, जग दा मालक याद होवे ता हर कम होंदा पूरा है, जग दा मालक याद होवे ता कायर बनदा सूरा है, जग दा मालक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है। कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालक याद ना होंदा है। मन वे ना के तार पे बंदे, thank you.
सच्चा संगत जी, मानव ईश्वर प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ दर्जा ऊंचा मानव को दिया गया। जिसका दर्जा ऊंचा होता है सत्संग जी, नेचुरली उसका प्रोफाइल भी उतना ऊंचा होता है, उसका किरदार भी उतना ऊंचा समझा जाता है। दर्जे के मुताबिक सत्संग जी, जब कमी आने लगी तो गुरु पीर पैगंबरों ने समय समय पर आकर के अपने वचनों के द्वारा मानव को सत्संग जी कमांड्स दी, ताकि इसका जो असली मियार है वो बना रहे। और सत्संग जी, इसी संदर्भ में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रश्न किया और स्वयं ही उस प्रश्न का, सवाल का उत्तर भी हमें सत्संग जी बहुत प्यार से समझाया। बाबा जी ने पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। सही बात है, इतना ऊंचा दर्जा है मानव का, तो इसका प्रयोजन क्या है। सत्संग जी, बाबा जी ने फिर स्वयं ही बताया था, पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ पर्पज़। अरे जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए ये जन्म मिला है, ये जीवन ऊंचा मिला है, अगर उसकी पूर्ति के लिए इंसान अग्रसर है तो समझो उसके जीवन का मनोरथ पूरा हो रहा है, निश्चय ही हो भी जाता है। जहाँ जब कमी आई तो सत्संग जी, ये उन्होंने, बाबा जी ने समझाया, केवल और केवल मनोरथ एक है कि श्वासों के रहते रहते जीवन काल के अंदर इंसान किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाकर के, सतगुरु की शरण में जाकर के अपने आप की पहचान करे, एंड देयर आफ्टर उसके बाद सारी मानवता के प्रति प्यार प्रीत नम्रता प्रेम पूर्वक इस जीवन की यात्रा को तय करे। दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारी तरती पे लाजमी प्यार हो जावे, सारे बंदे आज, सारे बंदे आज लाजमी प्यार हो जावे, सारी तरती पे। होन ताले साडे आंड ते गवांड च परोसे होन वाले, करा सुनने आज का तो एवें लगे होन ताले साडे आंड ते गवांड च परोसे होन वाले। इच ऐसी अपनत आधार हो जावे, सारी धरती ते, सारी धरती ते लाजमी प्यार हो जावे, सारे बंदे आज, सारे बंदे आज लाजमी प्यार हो जावे, सारी धरती। सत्संगत, इस इंसान की विडंबना रही है कि जब से ये पैदा हुआ थोड़ा होश संभाला, इसे पिंड और ब्रह्मांड का भेद तो समझाया गया, ये सूरज चांद सितारे धरती अग्नि पानी वायु जीव आकाश, इनमें से ही कुछ अंशों का तू बना हुआ है ये शरीर। सत्संगत, और इसे ये भी बताया गया कि अब तू शरीर है और इस शरीर के साथ जुड़े हुए साधनों को जुटा, और इस इंसान ने अपने आप को समझा दिया कि मैं शरीर हूँ और मैंने इस शरीर के साथ जुड़े हुए साधनों को ही जुटाना है। और सत्संगत, इस शरीर के साधनों ने इसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार, एक मैं को जन्म दिया। और सत्संगत, ये सफ़र बदल गया
मैं के लिए साथ संगत ये कोशिशें करने लगा कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने ये किया है। साथ संगत अपने आप को प्रमाणित करने के लिए ये मैं तब तक करता रहा जब तक इसे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब मैं तो वास्तविकता में कुछ है ही नहीं, और तुम तो ये शरीर भी नहीं हो, तुम इस शरीर से अलग आत्मरूप हो, और वो आत्मरूप जो इस परमपिता परमात्मा की अंश है, और उसका लक्ष्य ये पारब्रह्म परमात्मा है, और इस लक्ष्य को अगर तुमने पूरा नहीं किया तो तुम्हारा इस जन्म में आना विफल हो जाएगा। अगर तुम इस जन्म को सकारत करना चाहते हो तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, और वो जानोगे कैसे, जब तुम ऐसे सत्संगत परम गुरु की शरण में जाओगे जो स्वयं परमात्मा का रूप इस धरती पर प्रकट होगा और तुम्हें इस शरीर की संवेदनाओं से अलग करके इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार के दर्शन करा करके कहेगा, ये देख ये है तेरा वास्तविक स्वरूप, ये है तू, यही है तेरा अस्तित्व। और जब सत्संगत ये इस अस्तित्व को जानेगा तो सत्संगत उस समय वो सारे भेद भाव जो उसे दुनिया ने समझाए उसके साथ पैदा नहीं हुए, वो तो एक साधारण मानव पैदा हुआ, मगर उन भेद भावों से रहित केवल और केवल ये ब्रह्म ज्ञान उसे कर सकेगा। और सत्संगत जब वो इस मानवता की इस भेद को जान लेगा तब सत्संग तुझे समझ में आएगा ये सारा संसार मेरा परिवार है, इस संसार का हर प्राणी मेरा ही तो रूप है, मैं किसे सत्संग भेदभाव करूंगा, मैं किसको ऊंचा और नीचा कहूंगा, मैं किसे दंभ करूंगा, मैं किसे हनन करूंगा, किसको दमन करूंगा, किसको गमन करूंगा। सत्संग जब तक उसे ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक सत्संग वो शेर याद आता है कि सत्संग तूने जला डाला किसी का आशियाना, सत्संग तो तेरा ही तो नशेमन था। सत्संग किसी के आशियाने को जला डालना इंसान तब तक कर सकता है जब तक उसे अपनी वास्तविकता का भेद नहीं होता, और ये वास्तविकता परम गुरु की शरण में आने के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वयं सतगुरु जो इस धरती पर विराजमान इसीलिए होते हैं, इसीलिए अवतरित होते हैं कि वो इस इंसान की इस सत्संगत संसारिक संवेदना को, इसके सत्संगत उन संसारिक आकर्षणों को, इस प्रकृति के साथ इसके लगाव को उससे अलग करके उसका लगाव इस निरंकार पारब्रह्म से करें, ताकि सत्संगत वो व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचे। सब देख रहे हैं कि हमारे बीच गांधी ग्लोबल फैमिली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा और पद्मश्री डॉक्टर के एन पंडिता जी सतगुरु माता जी को ये ममंटो दे रहे हैं, और साथ में परमवीर चक्र कैप्टन बाना सिंह, डॉक्टर तरुण सिंह जी, ख्वाजा साना उल्ला तमीरी जी, जनाब सरदार जसविंदर सिंह जी कुक्का, श्री मुमताज कबीर विनोबा जी, श्री अमरेश सोनी जी, श्री रोबन गिल जी और श्री गुलाम मोहम्मद खान जी और श्री रमन शर्मा जी, इन सब का हार्दिक स्वागत है। मिलजुल के गर रहे तो सबका ही फायदा है, मिलजुल के गर रहे तो सबका ही फायदा है, मिलने में बरकत है कुदरत का कायदा है, मिलने में बरकत है कुदरत का कायदा है, मिलते नहीं जो ज़मीन पे मिल के न
लोग सारे जैसे के आसमां पर रहते हैं चांद तारे आकाश जमीन पर सात संगताज जो खुशियों का वातावरण सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वक्त के पैगंबर हमारे बीच आशीर्वादें प्रदान कर रहे हैं। जूं ही ये सच्चे पातशाह की खबर इस प्रकार से मिली, चारों ओर उत्साह और खुशियों का वातावरण, क्या वो राजौरी और पुंछ, क्या वो किश्तवाड़ और डोडा, क्या वो लोग जिनके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे, पीछे एक घटना हो गई थी किश्तवाड़ में, तो जब माता जी का सुना सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से एकदम आज यहाँ मौजूद होकर सतगुरु के आशीर्वाद बख्शिशें रहमतें ले रहे हैं। सात संगत ये धरती का वो हिस्सा है, सब जानते हैं, जिसको जन्नत का हिस्सा कहा जाता है, जहाँ पर पहले पीरों पैगंबरों ने भी इस धरती पर आशीर्वादें प्रदान की, हमेशा दया और करुणा की भावना को बढ़ाने के प्रयास किए। उसी के साथ साथ शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी भी इस हिस्से में अक्सर आए और उन्होंने भी बहुत सारा समा कश्मीर में भी सुना मैंने गुजारा है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज भी कश्मीर में भी गए और इस इलाके में भी गए, जम्मू के इलाके में भी आए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बख्श से रहमते लेकर अक्सर इस धरती पर आते रहे हैं और फरवरी 2016 में सच्चे पातशाह जब ऊधमपुर में आए तो ऊधमपुर में बख्शिश कर रहे थे कि ऊधम के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है ऊधम, क्या कह देते हैं, क्या ऊधम मचा रखा है, वो शायद इस वातावरण का, यहाँ का जो हालात बन चुके थे उसका जिक्र किया, और दूसरी तरफ कहा कि उद्यम का मतलब उद्यम करना भी होता है, जो आप संत महापुरुष करके चारों ओर मानवता का वातावरण, शांति का वातावरण फैला रहे हैं। सात संगत भक्ति के हम सब जानते हैं तीन अंग मुख्य अंग होते हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग, लेकिन सेवा भी हो रही है और सिमरन भी, इस प्रभु परमात्मा का नाम भी लिया जा रहा है। जैसे कहीं एक छोटी सी बात, दो इंसान कहीं सेवा कर रहे थे, धरती पे खड्डे निकाल रहा था एक, और पीछे पीछे एक दूसरा सज्जन आ रहा था, वो खड्डे उस धरती के बंद भी करता जा रहा था, एक तरफ खड्डे निकल रहे हैं दूसरी तरफ खड्डे बंद हो रहे हैं। तो किसी सज्जन ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, वो खड्डे निकाल रहा है तुम बंद करते जा रहे हो, तो आगे से उत्तर देने वालों ने कहा कि वास्तव में हम दोनों हुक्म में ही सेवा कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी थी कि तुम खड्डे निकालना तो मैं तो खड्डे निकाल रहा हूँ, और इस भाई साहब की ड्यूटी थी खड्डे बंद करना, ये खड्डे बंद भी कर रहा है। एक तीसरा भी था बीच में जिसको कहा गया था तुम इस खड्डे में वृक्ष लगाना, तो वो तो आज आया ही नहीं, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीच वाला जो वृक्ष लगाने वाला वो आज आया नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का नाम लेने से क्या कभी कभी कल्याण होगा, हम सब जानते नहीं होता है, खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, ना कोई और वैद्य डॉक्टर का दवाई का सिमरन करने से मुंह मीठा होता है, बल्कि जब तक ब्रह्म ज्ञान का पौधा हमारे मन में नहीं लगता सतगुरु की कृपा से, तब तक इंसानियत और मानवता ये इसी तरह से बिखरती रहती है। सतगुरु पैगंबर दुनिया पे आता है, ये ब्रह्म ज्ञान का पौधा लगाता है और मन में आत्मा को इस परिपूर्ण परमात्मा के साथ जोड़कर कण कण व्यापक इस निरंकार परमात्मा में स्थित कर देता है, जिसके कारण चारों ओर नजर आता है ये भी मेरा ही रूप है, ये भी मेरा ही रूप है,
ये भी इसी में मेरा वही भगवान जो मुझ में है वही तुझ में है, फिर मेरे तेरे के भाव नहीं रहते हैं, जाति पाति के भाव नहीं रहते हैं। एक निरंकार परमात्मा का ज्ञान पाने के बाद सारे अपने लगने लग जाते हैं, ना को वैरी ना ही बेगाना वाली भावना बन जाती है। आओ सात संगत, आज सच्चे पातशाह सतगुरु गरीब नवाज यही ब्रह्म ज्ञान की दात के साथ जोड़कर, इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर हम सबको समझा रहे हैं। इस परमात्मा को एक को जानो, एक को मानो, फिर इस एक निरंकार परमात्मा के साथ एक हो जाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही हर इंसान के लिए बहुत जरूरी भी है। मात पिता का आदर करना नित्य ही श्रद्धा भाव से, मात पिता Sangachi, dasi nu mokka milia, this divine opportunity ki saat Satguru Hazur ji de naal Delhi to Punjab da tour karna, aur saat Sangachi bahut dekhan nu milia hai ki kis tarah eh Satguru har ek swas apne layi ji rahe han, puri duniya layi ji rahe han, na apni थकावट देखना, बेरामी देखना, टाइम सिर नहीं खाना, टाइम सिर नहीं सोना, बस लगातार अंबाला गए, बरनाला गए, लुधियाना गए और हम इत्थे जम्मू आ गए और बीच विच सत्संग जी इन्ने स्टॉप्स माता जी जिथे भी महापुरश मिले रोड साइड ते पवना च उदा उन्हां इनोग्रेशन हुआ सत्संग जी, तो असी सोच रही सी कि क्यों इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों हर एक पल साडे ले जी रहे हैं, वाई सो मच। और सतसंग जी दासी ने यही सोचा कि सिर्फ ये सतगुरु ही हो सकता है जो इतना सेल्फलेसनेस है, इतना डिजायर है कि सबनों खुशी बांटनी है, सबनों इस निरंकार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नू ए तोहफा ए डिवाइन गिफ्ट बख्शना है सारियां नू। और क्यों, what is Satguru getting out of this? Saints,
Satguru is just here to give us this pure bliss so that we can all live together in harmony. ए भाईचारा दी गल जो सतगुरु असी संगत विच सुन रहे हन यही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान दे नाल ही सत्संग जी सानू मिल सकती है और सत्संग जी जिथे जिथे भी असी गए इन्नी खुशी सी इन्नी इन्ना शुकराना पाव सत्संग जी और दासी दे मन च भी यही शुकराना सी कि थैंक यू सतगुरु नाल दासी दे आप जी दे चरणा नाल आया और यह भी सत्संग की खुशी भी मिलन नू आए पर सत्संग जी दासी सोच रही सी कि इन रिटर्न दासी दासी का काम की है अपनी रिस्पोंसिबिलिटी की है सतगुरु इन्ना कुछ कर रहा है सानू यह ब्रह्म ज्ञान दे नाल एक सहज अवस्था विच ले आना चाहते हैं सो दैट वी आर अवे फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स द सुख दुख ऑफ द वर्ल्ड इस दे उपर पार करने लई सत्संग जी सानू पीस शांति सुख दे रहे हैं जे असी इस ज्ञान नू अमल करिए इफ वी पुट इनटू प्रैक्टिस साडी की जिम्मेवारी बनती है दासी अपने आप विच खोज कर रही सन तो यही ख्याल आया कि मैं इस संत निरंकारी मिशन विच हाँ और एम आई एक्चुअली ऑन अ मिशन एम आई ऑन द सेम मिशन आ सतगुरु ओह चाहना ओही सेल्फलेसनेस ओ निष्काम भाव ओ मेरे विच भी है जा नहीं डू आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस पीस टू एवरीवन सेंट्स Hearing the divine words of Satguru, saying that come, be the change that you wish to see in the world. It starts from us. अपने आप नू पहले बदलाइए सत्संग जी. जो बचना आ रहे हैं, उही असी अपनी जिंदगी विच ले आइए. ता फिर वाकी उदो ही शुकराना है सत्संग जी. नहीं ता सिर्फ दासी दे बोल ही हैं. गा भी सकती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू पर सत्संग जी असल विच इट्स नॉट अ थैंक यू जिन्ना चिर मेरे एक्शंस विच मेरे कम कर्म विच मेरे सोच विच मेरे बोल विच मेरे ख्याल विच मेरे कर्मा विच नहीं आंदा सत्संग जी रस्ते विच दिल्ली तो पहले अंबाला दा स्टॉप सी ता इन्नी बारिश पै रही सी सत्संग जी नाल दे नाल बिजली ता हेलस्टोन्स ओले सी सत्संग जी ता विजिबिलिटी एकदम शीशियों विच विंडोज विच कुछ नहीं दिखाई दे रहा सी और सत्संग विच घबराहट आ रही सी कि हे निरंकार सतगुरु इस कंडीशंस विच भी सारे इस महापुरुष जो सेवादार भी हैं साथ सत्संग जी इन्ने कंडीशंस विच चल रहे हैं कि महापुरुषों नू मिलना सतगुरु दी यही चाहना है सत्संगत नू निहाल करना कि इन्ना डेंजरस घबराहट हो रही सी कि एकदम ब्रेक्स भी गड्डी दे स्लैम हो रहे सन एकदम सिमरन आ रहा सी तू ही निरंकार सत्संग जी फिर ख्याल आया कि दासी नू सिर्फ सिमरन उदो ही याद आता है जदों घबराहट होंदी है जदों डर होंदा है बस आर वी लिमिटिंग दिस ज्ञान टू जस्ट वेन वी नीड निरंकार जदों एदी जरूरत होंदी है उदों असी याद करते हैं वट अ यूज़ सेंट्स आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई सैल्फ कि निरंक सतगुरु ने सानू इन्ना कुछ दिता है निरंकार विच कि क्यों सिर्फ सहारे वास्ते जो डर है क्यों ना हर वल्ले इसनू याद करिए जिस तरह कबीर जी का दुआ है दुख में सिमरन सब करे सुख में सिमरन ना करे कोए जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए सत्संग जी द पाव दैट आई गेट फ्रॉम दिस कपलेट इज कि दुख सुख तो आते होंगे पर अपनी सोच किस तरह है हाउ डू वी रिएक्ट और सत्संग जी जे दासी नू पहले सिमरन इस निरंकार का ध्यान हुंदा इसका एहसास हुंदा शायद दासी दर्द ही नहीं शायद दासी नू ए पाव हुंदा कि शुक्रिया सतगुरु दे सेवादार जो गड्डी चलाउंदे हन इन्नी अच्छी तरह चलाउंदे हन कि सानू सेव कर रहे हन शुक्रिया दाता तेरी क्रिएशन दा किद्दां बिजली है किद्दां आह सत्संग जी मे बी आई वुड हैव बीन मोर एट पीस सेंट्स रादर दैन दिस फियर एंड इट गोज बैक to this avastha that Satguru is giving us through the Brahm Gyan, this balanced state of equipoise, sahaj avastha. This is what the true gift, the true beauty that Satguru is giving to the whole world, saints. Satsanga ji, aap chi kirpa karna, ki bless karna, ki dasi vaki is Brahm Gyan aur har ek vachan jo Satguru de aunde han, apni zindagi vich dala, tahi fir बाकी शुकराना आएगा सत्संग जी जे कोई सानू एक तोहफा देवे सत्संग जी और उस तोहफा बड़ी अच्छी तरह बहुत सोहना चंगा तोहफा है
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਾਸੀ ਬਾਕੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਾਲੇ। ਜੈਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਘੂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਇਸਕਾ ਹਮ ਆਨੰਦ ਉਠਾਏਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨੇ ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈਐ, ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈਐ, ਤਾਂ ਪਸੋਤੇ ਪਸੋਏ ਦਿਆਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਏ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਰੀਐ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਏ ਦਿਆਂ ਪਰ ਮਰੀਐ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਂ, ਮੋਏ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਦੂਏ ਜੁਗਾਂ ਪਰ ਤੋਏ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸਲੀਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸਲੀਤ ਹੋਈ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰੰਗੋਏ ਦਿਆਂ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰੰਗੋਏ ਦਿਆਂ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੋਏ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਰੀਆ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਦੋ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਦਿਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਰੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤੇ, ਇਹ ਹਨੇਰ ਮਨੇਰੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਆਪੋ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਣਾ ਨਾ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਇਮਾਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਾਰੇ ਮਾਨੂ ਕੀ ਇਮਾਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਈ ਨੇ ਲੱਭਾ ਦੇ, ਕਈ ਮਾਨੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਕਈ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਾਰੇ ਮਾਨੂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਸ਼ਾ ਮਾਨੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਸ਼ਾ ਮਾਨੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਆਪੋ ਭਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਾਰੇ ਮਾਨੂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ, ਸਭਨੇ ਕਹਾ ਯੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਯੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਯੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਦਰ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਆਜ ਕਾਦਰ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਜਦਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖੋਂ ਬਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਤਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੇਂ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਝਸੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਝਸੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਕਿ ਬਦਲੇ ਨਾ ਲਮੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਕਭੀ, ਬਦਲੇ ਨਾ ਲਮੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਕਭੀ, ਔਰ ਲਗਨੇ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਸਭੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਭੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਭੀ, ਜਬ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਬੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਭੀ, ਜਬ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਬੀ, ਯੇ ਕਿਉਂ ਆਤੀ ਹੈ ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਸੇ ਰੱਖ ਲੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਅਭੀ, ਯੇ ਕਿਉਂ ਆਤੀ ਹੈ ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਸੇ ਰੱਖ ਲੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਅਭੀ, ਹਮ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਗ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੋ, ਅਬ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੋ, ਭਗਤੀ ਕਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦੋ। ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁੜੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੁੜੇ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲੀ ਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਅਣਮੁੱਲੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁੜੇ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁੜੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੁੜੇ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਏ,
मन हथों गई तू ठगी है तन दी सेवा विच लगी है मन हथों गई तू ठगी है सिर चुकी फिरदी डगी है चढ़ी फिरदी झूठ दी बग्गी है सिर चुकी फिरदी डगी है चढ़ी फिरे तू मान दी बग्गी है चौं दिनां दी तू मेहमान कुड़े तू करे अपनी पहचान कुड़े तेरा रुतबा आली शान कुड़े आ सांभ लै अपना वेला तू कर लै ए जन्म सुहेला तू आ सांभ लै अपना वेला तू कर लै ए जन्म सुहेला तू छड माया वाला चमेला तू कर लै प्रीतम नाल मेला तू फिर हर पल मौजा मान कुड़े तू अपने आप नू जान कुड़े तेरा रुतबा आली शान कुड़े मैं भी सां बड़ी नदान कुड़े सां मालिक तो अनजान कुड़े सदा परमा च पा जांदी है उस संसार दी हर गल हमेशा याद रखनी है गुरु दे प्यार दी हर गल है हर पल दौड़दा रहिंदा ए मन ता सुपनिया पिछे है हर पल दौड़दा रहिंदा ए मन ता सुपनिया पिछे पर सुनू मोड़दी रहिंदी है बख्शन हार दी हर गल पर सुनू मोड़दी रहिंदी है बख्शन हार दी हर गल है मन मुखा ने ए दुनिया सदा ही तंग कीती है मन मुखा ने ए दुनिया सदा ही तंग कीती है सदा गुरमुख ही कर दे ने सदा गुरमुख ही कर दे रे ने पर उपकार दी हर गल जो दूजे नू डबोंदे ने किनारे खुद भी नहीं लगदे जो दूजे नू डबोंदे ने किनारे खुद भी नहीं लगदे भला सब दा ही कर जांदी है तारन हार दी हर गल बहुत खूब तो शेर देखना जी असी विश्वास दे पात्र बने रहता मुबारक है बहुत सुंदर असी विश्वास दे पात्र बने रहता मुबारक है कोई भी असर नहीं रखती है बेतबार दी हर गल क्या बात सत्संग जी अहो भाग्य है हमारे कि हमारे घर में निरंकार चल के आ गया घर सारा इनका है लेकिन हमें जो बुद्धि दी है समझ दी है उसमें यही है कि हमें जहाँ जब कभी सतगुरु के दर्शन होते हैं तो वो मन खिल जाता है खुशियाँ और भरपूर हो जाती हैं क्योंकि निरंकार रूप में सदा ये हमारे साथ हैं हर जगह हमारे अंदर बाहर हर जगह निरंकार है और इस रूप में सदा हमारे साथ हैं पर जो निरंकार ने हमें ये दिए हैं सतगुरु का रूप तो उस रूप का जब हमें दर्शन होता है वो फिर खुशी का पारावार नहीं रहता क्योंकि लिखा है कि गुरु गुरु तू कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही होर गुर की टेक रहूं दिन रात जाकी कोई ना मेटस दात ये जो दात इनके पास है जो इन्होंने हमें दी है वो उससे ऊंची बात कोई है ही नहीं हम सभी जानते हैं तो गुरु की कृपा गुरु की जो हमारे पास आशीर्वाद है उसको बड़ा हम हमेशा इसीलिए समझते हैं क्योंकि अगर सतगुरु ना होता तो निरंकार के दर्शन ना होते निरंकार है सब जगह सब कुछ है पर हमें पता नहीं था आप यहाँ हजारों नर नारी बैठे हुए हैं किसी को नहीं पता था सो भक्ति हम किसी न किसी रूप में कर रहे थे लेकिन ये जो लाइनें लिखी हैं जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है ये जो लाइनें हैं इन लाइनों को पढ़कर हमें पता है
कि जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको समझना, उसको जानना ये जरूरी है। यो इन्होंने हमें बताया। अगर ये ना होते तो हमारे पास ज्ञान ना होता। तो इनकी भक्ति करना, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना, इनको सदा शुक्रिया करना हमारा सबसे पहला फर्ज है, क्योंकि उसके बाद सारे फर्ज शुरू होते हैं। जो निरंकार का रूप इन्होंने हमें दर्शन दिखाए, उसी के कारण हम आज जो बार बार हम कह रहे हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ये ब्रह्म के मालिक हैं। क्योंकि निरंकार और सतगुरु एक ही चीज़ होती है। सबसे बड़ी समझने वाली एक बात है कि सतगुरु विच आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु में निरंकार ने अपना आप रखा। ये हमारे सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि सतगुरु ने निरंकार, सतगुरु के अंदर निरंकार ने अपना आप रखा और आप हमें ये दर्शन करवाए, ये बात है। क्योंकि ये सतगुरु में जब निरंकार आ जाता है वो तो निरंकार रूप हो जाता है। अब एक इंसान होता है, आप देखते हैं वो पढ़ता है, पढ़ लिख के डॉक्टरी की शिक्षा ले लेता है तो क्या बन जाता है? डॉक्टर। वो फिर मरीजों का इलाज कर सकता है। यही तो तरीका है। वरना बिन पढ़े हम कहें कि मैं लुकमान बन गया, मैं हकीम बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, ये हो ही नहीं सकता। वो उसके अंदर रखा जाता है, वो रखा जाता है, निरंकार ने बनाया है। वो चीज़ें जो निरंकार ने बनाई हैं उसके अंदर जब आ जाती हैं तो वो बन जाता है। सो यही हमें समझना है कि जो सतगुरु है ये निरंकार रूप होता है। तो इसको बात को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कि इनका जो मान है, इनका जो आशीर्वाद है वो कितना ऊंचा है। इनके आशीर्वादों के बिना हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ नहीं सब कुछ बन जाता है जब इसकी समझ आ जाती है। इनका भी है, जब इनकी समझ आ जाती है तब गुरसिख को ज्ञान होता है कि आज मैं सब कुछ हो गया। क्योंकि इन्होंने ही, आपने देखा पीछे समागम में भी इन्होंने यही कहा कि हमने गुरसिखों के चरणों में शीश नवाना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सबसे ऊंचा होता है। कभी मत समझो कि जो ब्रह्म ज्ञानी है इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है। तभी हर सतगुरु ने यही आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों को छूना है हमने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। और करवाता कौन है? ये सतगुरु करवाता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, एक दूसरे की पूजा भक्ति हो रही है, उनसे सत्कार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उनकी शिक्षा कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। मिट्टी ना हो तो ईंट नहीं बन सकती, बनाने वाले जितने मर्जी हों, पर बनती तब है जब मिट्टी होती है। तो जब ये देते हैं तब हम कुछ बन पाते हैं, वरना कुछ नहीं बन सकते। हम जितनी मर्जी अपनी सोच को ऊंचा कर लें, हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जितने मर्जी अकल हो, जितनी मर्जी समझ हो, पर वो समझ में जब तक समझ नहीं इनकी आ जाती तो कुछ नहीं होती। लेकिन जब वो समझ आती है तो वो कुछ नहीं सब कुछ बन जाता है। तो यही हमने सीखना है, यही समझना है कि गुरु से ऊंचा कुछ नहीं है। तो गुरु की भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब गुरु की शक्ति को पहचानेंगे, तब भक्त बनते हैं। वरना वैसे ही हम सिमरन करते रहें, वैसे ही संगत करते रहें या सेवा करते रहें तो बनने वाला कुछ नहीं। ये समझना है कि संगत, सेवा, सिमरन, ये जो चीज़ें इन्होंने हमें दी हैं, ये जो आशीर्वाद इन्होंने हमें दिए हैं, उनमें इनके कारण भक्ति भरी है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि संगत, सेवा, सिमरन करना है। अगर वैसे ही कर रहे हैं तो कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हैं कि ये भक्ति, ये प्यार, ये सत्कार हमें सतगुरु ने दिया है, तो उसमें शक्ति आ जाएगी। नहीं तो इंसान जितना मर्जी चाहे कि मैं शक्तिवान हो जाऊं, लेकिन अगर निरंकार ने उसके शरीर में शक्ति नहीं भरी तो वो शक्ति कैसे आ जाएगी? जैसे मैंने ही पहले कहा कि जैसे शिक्षा नहीं भरी तो शिक्षावान कैसे हो जाएंगे? तो जब तक ये हमारे अंदर इस भक्ति का ज्ञान नहीं भरते, तब तक हम शक्तिवान या भक्तिवान या आशीर्वाद के काबिल कभी नहीं हो सकते। तो इनके चरणों में झुके रहेंगे, इनके चरणों से आशीर्वाद लेते रहेंगे, जो हुक्म आता जाए उसको मानते चले जाएंगे। तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना, तस
मार्फत वाले तरीकत मार्फत वाले हकीकत इसको कहते हैं तसव्वुर में तेरे रहना तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं तसव्वुर में तेरे तू ही अरमान है मेरा तू ही ईमान है मेरा तू ही अरमान है मेरा तू ही ईमान है मेरा तू ही अरमान है मेरा तू ही मरे गारे रे तू ही अरमान है मेरा तू ही मान है मेरा तू ही अरमान है मेरा तू ही मान है मेरा तुझे सब कुछ समझ लेना तुझे सब कुछ समझ अकीदत इसको कहते हैं तसव्वुर में तेरे रहना तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं तसव्वुर में तेरे रहना तसव्वुर में तेरे रहना तसव्वुर इसको कहते हैं। परम सत्कार योग सतसंगत जी, प्यार से बोलो निरंकार जी। सतसंगत जी, आज जहाँ जयपुर सत्य का संदेश इस धरती पर दिया जा रहा है, जो जुगों जुगों से पीर पैगंबर देते आए हैं, एकता का, भाईचारे का, निम्रता, प्रेम प्यार का और इस परमात्मा ईश्वर निराकार को जानने का संदेश पीर पैगंबर हमेशा देते आए हैं। सन्त निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में वही संदेश आगे फैला रहा है, जो संदेश गीता, रामायण, कुरान, पुराण तो दिया गया है।
इंसान को एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ और जो ये अवसर मिला है मानव को इंसान को उसको हमेशा ये जागरूक करते आए जगाते आए समझाते आए लेकिन जो भाग्यशाली जिसके भाग्य अच्छे थे उसने इस दास को प्राप्त किया और लोक पर लोक सुहेला किया। तो आज ये जो विशाल हाजिरी नज़र आ रही है एक प्रतीक है एक सच्चाई की कि जो इनको ज्ञान मिला है इनको प्रेम मिला है यहाँ पर एकता है जाति पाति की बात नहीं है यहाँ पर कोई मजबूत मिलत की बात नहीं गरीब अमीर की बात नहीं है। हर इंसान को प्यार चाहिए हर इंसान चाहता है कोई मेरी मदद करे तो यहाँ पर हर गुरसिख महापुरुष प्यार भी करता है एक दूसरे की सेवा भी करता है। तो यहाँ ये जो इतना विशाल इस प्रोग्राम मिलने को मिला है सतगुरु माता जी की कृपा से बख्शिश से दास इनका आभारी है जो पूरे एक जो जे एंड के की संगत है। हम तो अभी तो जे एंड के हम श्रीनगर जम्मू को बोल रहे हैं कोई ड्यूटी श्रीनगर और जम्मू ड्यूटी है लेकिन जो लद्दाख है वो भी ड्यूटी है। जब पहले जे एंड के बोला जाता था तो मतलब पूरी स्टेट होती थी अब जे एंड के का मतलब जम्मू और कश्मीर ड्यूटी लेकिन यहाँ लद्दाख भी है जम्मू कश्मीर चाहे लद्दाख ड्यूटी है पूरा ये स्टेट जितनी भी है सभी साथ संग जहाँ पर आई है। और फिर जहाँ पर सहयोग जो विशेष तौर पर दास शुक्राना करता है जिन्होंने हमें ये जमीन मुहैया करवाई और सात बड़े बड़े जो प्लाट पड़े हुए हैं जहाँ पर पार्किंग की हुई है लंगर किया हुआ है वो मुहैया करवाया और फिर जो पुलिस अथॉरिटी है उन्होंने भी भरपूर योगदान दिया है बहुत ही जगह जगह पर हर चौक में उन्होंने एक इस तरह का कोऑपरेट किया है। क्योंकि हम जब कार्ड देने गए थे जो डीजी साहब है पुलिस के दिलबाग सिंह जी तो उन्होंने उसी समय चिट्ठी लिखी आईजी सिक्योरिटी को और सभी जितने आईजी चाहे जम्मू हो चाहे डीआईजी जम्मू हो चाहे एसएसपी जम्मू हो चाहे एसएसपी सांबा हो चाहे ये विजयपुर एसएचओ हो सभी ने भरपूर योगदान दिया और एक ऐसा एक बहुत ही एक सुंदर तरीके से सारा जो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इन्होंने किए हैं। और भी जो पीएचई डिपार्टमेंट है अनेकों ऐसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं या बिजली वाले हैं सभी ने सहयोग दिया है सभी का मिशन की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। तुसे किस्मत बदली साड़ी ओ सच्ची मुट्ठी ओ सच्ची मुट्ठी किस्मत बदली साड़ी ते जीने दा नजारा आई गया ते जीने दा नजारा आई गया सतगुरु मेरे दाता जी ते
हे समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी जम्मू के इस प्रांगण में जहाँ सत्संग के लिए आप सब दूर दूर से चल के आए हैं और कुछ घंटों से जो सत्संग का आनंद भी ले रहे हैं ये संदेश जो आज भी बार बार सुनने को मिला और युगों युगों से संतों का यही संदेश रहा है कि मनुष्य के शरीर में हो तो मनुष्य बन भी जाओ ऐसे अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना कि ये जो सांसें हैं ये तो गिनती की हैं तो ये जीते जी हमने अपने जीवन का कैसे सदुपयोग करना है कैसे वो मानवीय गुणों के ऊपर अपने जीवन को आधारित रख के सच के एक इंसान बनना है क्योंकि ये मानवता से ऊपर तो कोई भी धर्म नहीं है एक ह्यूमन क्वालिटीज़ एक ह्यूमन वैल्यूज़ जब तक एक इंसान में है तो ही वो इंसान एक वरदान का रूप है इस संसार के लिए तो हमने किस तरह एक अपने जीवन को आधारित रखना है वो संतों के ही वचनों पर आधारित रखना है क्योंकि जब सत्संग में भी आते हैं तो भी वो सत्य का संग होता है वो वचन जो हमारे को इतने अनमोल मिलते हैं वो जीने का तरीका जो सिखा देते हैं ऐसे ऐसे एक एक छोटी छोटी बात भी अगर उठाई जाए और उसको अपने जीवन में एक उसके ऊपर चला जाए तो वाकई ही ये मन बहुत ज़्यादा बदल जाता है और अपने आप ये एक अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेटेड रहता है तो कैसे हमने अपने दिल से ये जो भी कोई बुरी अंदर चीज़ छुपी है चाहे वो किसी के लिए नफ़रत हो चाहे ये निंदा करने वाली बात
या किसी को एक छोटी दृष्टि से देखने वाली बात, किसी के मन के ऐसा प्रभाव ले जाना कि उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो कठोर वचन से, तो अब जीवन भर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें तो हमको और तंगदिल बना देंगी। और हमें एक विशाल अपने मन को बनाना है कि ये संसार में अगर किसी ने कुछ भी तरीके का हमारे ऊपर एक हमारे साथ व्यवहार किया है, पर हमने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हमें तो एक अच्छाई ही करनी है, जैसे फरीद जी की भी वो लाइन है, फरीदा बुरे दाव पला कर गुस्सा मन ना हंडाई, कि कैसे एक बुरा भी अगर कोई कर रहा है उसके साथ भी हमने भला ही करना है। वो करना चाहे कितना भी उस समय कठिन लगता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्चुअली एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरह अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो स्वभाव के कारण पलट के वो इंसान भी आगे कुछ कड़वे वचन बोल देता है। पर उस समय ये बात याद रखनी, इस परमात्मा को याद रखना कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा है तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमने उसके जैसा नहीं बात करनी, हमें अपनी अच्छाई जो हमारे अंदर है उस पर स्टे करना है, उसी को आगे अपने शब्दों से निकालना है। तो उस समय भी चाहे वो कितना भी कठिन हो करना, तो भी एक संतमति के अनुसार अपने शब्दों को, व्यवहार को, सोच को उस तरह चलाना है कि ना हमारे मन में कोई क्रोध जागे और हमारा मन जले, ना हमारे शब्दों से किसी दूसरे का भी तंगी मन में उसके आए या कुछ ऐसे वचन निकल जाए जो सामने वाले का भी फिर पूरा दिन वही बात सोच सोच कर एक बैठ जाए। तो हमने तो वही कार्य करना है जो संतों ने सिखाया है, किसी को चोट नहीं देनी, किसी को आंसू नहीं देने, हर एक का एक जो भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि चाहे हमसे दूसरे सामने वाले का कितना भी एक अलग स्वभाव है, तो भी हमने उसके स्वभाव पे ये मानना है कि परमात्मा ने जहाँ इतनी कुदरत की रचना करी, कोई भी चीज़ दूसरे के जैसे सेम नहीं होती। तो चाहे वही बात कि अगर एक सोना भी है उसको हम चाहें तो अंगूठी बना लें, उसको चाहे तो गले में हार की तरह बना लें, और फिर वही हार चाहे तो पिघला के उसकी अंगूठी बना लें, तो है तो बात वही कि जो एसेंस है, जो मेन है आत्मा, वो सभी में है। और बस आकार चाहे अलग अलग भी दिखते हों इंसानों के, चाहे वो शारीरिक रूप के आकार अलग, या कहाँ से आए हैं, किस जगह का कल्चर लेते हैं, चाहे स्वभाव में वो भिन्न भिन्न चीज़ें, तो उसमें ये भेदभाव करना कि वो गोरा है, काला है, मेरे जैसा भोजन नहीं खाता, मेरे जैसे आस्था नहीं रखता कहीं, तो वो तो बहुत ही हमारे एक छोटी सोच हो जाएगी अगर किसी से नफरत कर ली इन छोटी छोटी वजहों से, क्योंकि आत्मा तो इस परमात्मा का अंश सभी में है। तो उस चीज़ से उठ के, जाति पाति के बंधनों से अपने आप को हटा के, जब हर एक में ही इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है, तो जब ऐसी दृष्टि एक मिल जाती है तो कैसे उस दृष्टि को हमेशा कायम रखते हुए 24 घंटे इस परमात्मा का एहसास करते हुए कि कैसे ये मालिक ने हमको विवेक, चेतनता, बुद्धि कुछ भी बोल लें वो दिया है सोचने के लिए, तो कैसे हमें उसका एक ऐसा फ़ायदा लेना है जो वाकई ही हमको भी सुकून दे, ऐसी सोच आए और सामने वाले के लिए भी। तो वही एक शेर की लाइन भी, जहाँ इसको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखते हुए कि इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे एक सुंदरता तभी है जब हमारे कितने भी अलग अलग भिन्नताएं के बावजूद एक समान जो एक कॉमन फैक्टर है उसको जब पकड़ते हैं,
तो वो वाक्य ही चाहे बगीचे के उदाहरण में वो अलग दिखने वाले फूल, पर उनकी कॉमन एक चीज़ क्या है कि वो सारे फूल बहुत ही कोमल होंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे। तो कैसे वो ही कॉमन चीज़ जब हम ले लेते हैं कि ये परमात्मा जो सभी में है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। तो वही बात मन में रखते हुए जब एक जीवन को ऐसे आधारित किया जाता है कि मनो में एक वो भावना प्यार की है, तो फिर मन में किसी के प्रति एक ब्लॉक नहीं करा जाएगा, एक दीवार नहीं बनाई जाएगी। फिर तो वो बस प्यार के पुल ही बनेंगे जो एक दिल से दूसरे को जोड़ते हैं। वो एफर्ट, वो हर एक हमारा यत्न रहेगा कि कैसे हम इस संसार को जो इस परमात्मा ने इतना खूबसूरत दिया है, तो उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। शुरुआत हमने अपने ऊपर से शुरू करके अपने स्वभाव में तब्दीलियां लाके करनी है। और फिर अगर संसार में वैसे भी संतों का काम वही रहता है जो एक भाई कन्हैया वाली भावना होती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं, तो उस भाव से जब ये सेवा की जाती है, कुछ मन में वो भावना रख के कि सिर्फ कुछ लोग हमारा परिवार या कुछ ऐसे हमारे अपने हैं और बाकी नहीं हैं, नहीं, जब ये सर्वदा भला वाली बात आ जाती है तो फिर वही दृष्टि आती है कि हर कोई अपना है। कैसे एक बेगर्ज होके हमने एक बिना फ़ायदे का सोच के हर एक के लिए समर्पित होके उनकी सेवा करनी है, हर एक के जीवन में हम किसी तरह भी आराम दे सकें, खुशी दे सकें, उनके लिए मरहम का काम कर सकें। तो जब ऐसे ही बात ये जीवन में उतरती है, उसको और पक्का करने के लिए ही ये सेवा का भी एक हमारा ज़रिया जो है, उसी के साथ साथ संगत आकर भी एक जैसी सोच वाले संतों के साथ जब उनकी वचनों को सुनकर अपने मन में बिठाकर अपना जीवन उन गुणों पे चलाते हैं, और साथ ही फिर ये जो हमारा मन है ये कभी मन्मत की तरफ नहीं दौड़ता, फिर ये मन हमेशा एक वैसे इसी परमात्मा के ऊपर, इस मालिक, इस वैसे जो तत्व पे जो कण कण में है, इस निरंकार पे आधारित होता है। और मन फिर हर पल इसके साथ जुड़कर वो सुमिरन का रूप ही लेता है। तो कैसे हम सेवा, सुमिरन और सत्संग के रास्ते पे जब हैं तो हम एक सही मायने में हर एक के लिए ही एक फ़ायदा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। तो कैसे हमने हर एक के लिए जहाँ एक अपने आप से शुरुआत करी, वहीं अगर संसार में भी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है या हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा व्यस्त है ज़िंदगी तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ से टाइम निकाल सकें, तो वो भी बात आती है कि हम अपने जीवन में क्या प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, परिवार के हों या काम काज के हों, उनको छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही की जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ही की जाती है। तो वैसे ही हर पल जब हम इस मार्ग पे रहें, अपने सारे इस दुनिया के काम काज को भी करें, पर उसमें इतना गुम ना हो जाएं कि ये जो असली मूल है, ये जो परमात्मा है, इससे पीछे हो जाएं। तो हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज़्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी उस फ़ायदा ले सकेंगे।
तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये हर एक के जीवन में रहे और ये अपना मुख उजला करते हुए संत अपने जीवन को जहाँ सुंदर बना सकें एक असली रूप में मनुष्य बन सकें ये संसार के लिए वरदान बन सकें और हर एक का जीवन एक किरदार ऐसा बन हो कि एक एक महात्मा जो आज आए हैं वो अपने आप में ही स्वर्ग हैं तो कैसे ये सुंदर सुंदर मन जो सबके हैं ये और सुंदर बनते जाएं और कभी भी मन में नफ़रतें एक जगह ना बना पाएं एक तंग दिली नहीं जगह बना पाए तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ही मार्ग सत्य का जो एक मार्ग असली मार्ग है इसी पे ही सदैव कायम रहें और दुनिया के जो भी प्रभाव हैं उन्होंने तो रहना ही है बस हमें अपने आप ये सोचना है ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा रंग कौन सा प्रभाव ग्रहण करना है तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति का मार्ग सबका ये बहुत ही प्रबल होता जाए ये मजबूत होता जाए और हर पल एक भक्ति ही में ही जीवन निकले और कोई भी और दूसरी और नेगेटिव तरीके से या कुछ भी वो सोच ना जाए सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी तेरी ओट सहारा तेरा तन मन कोल कुमावा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं हाँ सदा पुलनहार मैं हाँ सदा पुलनहार तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण नाचे तार मेरे अवगुण नाचे तार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ए संसार तेरा रूप है ए संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मंग है दातार मेरी मंग है दातार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार बख्शो शरदा पगते प्यार बख्शो शरदा पगते प्यार करा मैं संता दा सत्कार करा मैं संता दा सत्कार तू ही निरंकार एक तू ही